अच्छा जी, सामान जो है ना निकाल लेते हैं, काफी सारे कार्टन हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज का व्लॉग हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए बाबा को, ये जो है ना इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें प्लेट है शीशे की, देखें कितने सिक्योरली लेके आए हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ को। अच्छा जी, तो गेम ये है कि भाई हम लोग जो है आज पहला दिन हमारा अपने घर के अंदर है, जो हमने इस्लामाबाद में रेंट पे घर लिया हुआ है। कल पहली रात हमारी यहाँ पर गुजरी, अलहमदिल्ला बहुत अच्छी गुजरी। बेगम थोड़ी सी वो थी खौफ में, थोड़ा सा मुझे भी खौफ था, मगर जाहिर है नई जगह होती है, इंसान को खौफ थोड़ा बहुत होता है। मगर हाँ, मकान असल में खाली है ना, हमने अपर पोर्शन लिया, नीचे वाला पोर्शन जो है अभी भी खाली है, अभी तक किसी को जो है नहीं दिया गया नीचे वाला मकान। ये शायद हो गया है मगर भी कोई फैमिली अभी तक नीचे आई नहीं है, तो नीचे वाले आ जाएंगे, थोड़ा सा और हमें सुकून हो जाएगा। हाँ बेटा, मुझे रखिए ना बेटा। तो रात मुझे तो अल्लाह का शुक्र ऐसा जो खास खौफ, पहले खौफ आ रहा था मगर फिर जब मैं सोने लेटा हूँ तो फिर अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई, वरना मैं थोड़ा घबराऊ जाता हूँ। तो ये सीन है, अभी जो है ना हम सुबह सुबह उठ गए हैं, सुबह तो नहीं काफ़ी लेट उठे हैं आज, क्योंकि अभी तकरीबन 12:30 हो रहे हैं, हम 12 बजे उठे हैं आज। तो अब ये है कि मैं ज़रा सामान शामान देख लूँ किचन का, क्योंकि सारी सेटिंग वगैरह देखनी है, खाने खाने के मामला देखने, नाश्ता भी देखना है। अब बाहर बाहर से नाश्ता और खाने का जो सीन है ना वो अब ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए। तो चले आ रहे, चलते हैं अंदर और चल के जो है ना ज़रा किचन का सामान वामान निकालते हैं और बताते हैं क्या सीन है। भाई को देखें, भाई बालकोनी में बैठ के धूप सेक रहे हैं। अब ये भी जो है ना कश्मीरी बॉय बन जाएंगे इंशाल्लाह। कराची में तो इतनी सर्दी पड़ती नहीं है, आप लोगों को पता है, तो इस्लामाबाद में सर्दी बहुत लेवल की होती है। इसको देखें भाई, धूप सेक रहा है बैठ के माशाल्लाह। ये देखें पौधे, दरख्त, सामने वाले जो दरख्त है ना वो बड़े हसीन लगते हैं मुझे, मगर मसला ये है कि वो अभी सर्दियों की वजह से जो है ना उसमें ये सीन हो गया है कि वो उसके पत्ते सारे झड़ चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन जब सर्दियाँ ख़त्म होगी, जब बाहर का मौसम आएगा ना, तो बड़े खूबसूरत हो जाएंगे ये वाले जो पौधे हैं। आ जाएँ, सामान सामान निकालते हैं और आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर करनी है इंशाल्लाह। जैसे जैसे हमें मौका मिलता रहेगा ना हम शेयर करते रहेंगे। आ जाओ शाह, हाँ बेटा आगे मत जाना, हाँ ये डेंजर जोन है, आगे मत जाना, आ जाओ आप किचन का सामान निकाले। अच्छा जी, सामान जो है ना निकाल लेते हैं, काफ़ी सारे कार्टन हैं। तो ये इसमें जो है ना किचन आइटम्स लिखा हुआ है, इसके अंदर ही मेरा ख्याल हो गया, देखो चार आइटम्स लिखा हुआ है इसमें ही जो है मेरा ख्याल है, वो जो सामान है ना 0.5 कर दो, इसके अंदर ही होगा। हाँ जी, मेरा ख्याल पतीले छिटली भी इसके अंदर ही है, जिस पतीली तो नज़र आ रही है, सस्ते निकालना शुरू करते हैं। चाय की सबसे पहला हमारा काम चाय का है, क्योंकि चाय पी लेंगे थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, दैन फिर खाने वाने के मामला तो करते रहेंगे इंशाल्लाह। खैर से ये हमारे उसका सामान आ गया, चम्मच का। अच्छा, इन्होंने ऐसे उठा के डाल दिया पूरा, इन्होंने बगैर कुछ आसरा किए ऐसे ही डाल दिया। ठीक है, पतीली ढूंढ ली, अच्छा एक साथ में डालता हूँ, एक साथ उठाऊंगा तो कुछ डैमेज ना हो जाए। इसका हम रैक भी तो सेट कर देना, नहीं बाद में ना। अच्छा फ्राइंग पैन भी मिल गया, अंडा बना लेंगे इसमें, तेल हम कर ले आए। नहीं नहीं, ये इस ये फ्राइंग पैन थोड़ी यूज करते हैं हम, फिलहाल कर लेंगे ना, क्या उसका इसमें चिपकता है अंडा? नहीं कोई बात नहीं, फ्राइंग पैन और भी है, वो वाला भी है रेड वाला। यहाँ पे लोग चाय की पतीली मिल जाएगा, चाय की पतीली, चाय की पतीली कल भी, हाँ पतीली मिल गई भी चाय की, चलो गुड हो गया भाई, गुड हो गया। आए हाय हाय, चाय की पतीली। वैसे इस बात से मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ, करना था कहना, इस बात से बड़ा इत्मीनान हुआ कि इन्होंने जो सेटिंग की है ना, अब किचन के जो मेन हमारी क्रॉकरी के या समझ लें पतीलियों के आइटम्स थे तो सारे एक जगह इन्होंने कर दिए, तो जिससे हमें ढूंढने में ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये पता होगा कौन से गार्डन में क्या चीज़ है। तो ये इन्होंने गेम अच्छा किया है, बाकी इनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है ना बैगर से लाभ, वो आपके साथ इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो में शेयर करेंगे, तो आप लोगों को जो है तफसील से पता लगेगा। अगर आप लोगों में से किसी ने शिफ्ट शिफ्ट नहीं करनी है तो आप लोगों को आइडिया रहेगा भाई किस तरह से मामला। अरे कहना क्या चाहते हो? सिटी टू सिटी, सिटी टू सिटी, थोड़ा सा अकलाती है जी। पानी जो है ना ऊपर ख़त्म हो गया है, तो मुझे आइडिया नहीं है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं मोटर चलाने के लिए आया हूँ,
मुझे आइडिया बिल्कुल नहीं है क्या सीन होता है क्या नहीं होता, आज चेक करते हैं। ये टैंक है भाई, यहाँ का टैंक खोल के देखते हैं। टैंक में पानी तो है, टैंक में अच्छा खासा टैंक में पानी तो है। अब जो है मोटर ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह तो ऑन हो गई। मुझे उन्होंने कहा था कि आप जो है ना 10 मिनट के लिए मोटर चलाइएगा, 10 से 15 मिनट चला के देखते हैं मोटर क्या सीन होता है। अच्छा जी, आज जो है ना पहला नाश्ता हम लोग ऐसे हल्का फुल्का सा कर रहे हैं, अंडा और ब्रेड से कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पहला दिन है, कोई चीज़ अभी एज सच हमारे घर में अभी सेट नहीं हुई भी, तो इसलिए पहला नाश्ता हल्का फुल्का, चाय बन गई, ये चाय पीछे रखी हुई है, नाश्ता करते हैं एंड देन फिर बाकी चीज़ों को जो है ना खोलना वोलना शुरू करते हैं, क्योंकि आज काफ़ी सारी चीज़ें सेट हमने करनी है इंशाल्लाह। आ जाओ भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अंडा खाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रेड जो है ना, यहाँ इतनी मज़े की ब्रेड नहीं मिली मुझे, कल रात में मुझे फील हो गया था कि ब्रेड मज़े की नहीं है, क्योंकि कंपनी कौन सी है? कॉन्टिनेंटल, सभी सुनी थी ना कराची में ना, महंगी होगी तो यहाँ मेरे ख्याल बेक पाउडर वगैरह नहीं मिलती, वरना हम लोग नॉर्मली बेक पाउडर खाते हैं, बेक पाउडर बहुत मज़े की होती है और फ्रेश भी होती है, यहाँ फ्रेश नहीं थी ब्रेड, शायद सर्दी की, ज़्यादा सर्दी की शायद जल्दी ख़राब हो गई, हाँ मुझे सुबह लेनी चाहिए थी, मैंने गलती की, मैंने रात में ले ली, आइंदा सुबह लूँगा अगर ब्रेड लेनी होगी तो। नाश्ते वाश्ते से फारिग हो गए ना हम लोग, आ गए थे हम लोग तो नहीं, मैं खुद आ गया था नीचे कि बिल शिल के मामला देख लूँ, मालिक मकान भी हमारे आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि भाई बिल के मामला देख लूँ, बिल के मामला क्या है, क्योंकि अभी तक बिल मुझे ना क्लियर नहीं हुआ कि क्या सीन है। मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं सामने, अब इसमें से मुझे भी नहीं पता ना इनको पता है खुद के, इसमें से मेरा ऊपर वाला कौन सा नीचे वाला कौन सा है, तो बहरहाल देखते हैं। अभी वेल्डिंग वाला आ रहा है, ऊपर जो है लोहे का डोर है बाहर रखा हुआ ना, वो आपको नज़र आ रहा होगा अंदर, ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर का हिस्सा इसका नज़र आ रहा होगा, तो ये लगवाना है ऊपर के पोर्शन में ना, ये ऊपर के पोर्शन में पहले से लगा हुआ था बट वो क्योंकि अलाइनमेंट नहीं थी उसकी तो निकलवा दिया था, तो वेल्डिंग वाले भाई अभी आ रहे हैं, ये लगवाना है एंड उसके बाद ऊपर और दो चार थोड़े बहुत काम है वो करने, फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है और क्या मामला निकलते हैं, क्योंकि ज़ाहिर नए घर में बंदा सेट होता है ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अभी ये भी मामला देखना है, यहाँ पर काफ़ी सारा गंद है, इसको भी दिखवाना है कि भैया किस तरीके से सेटल डाउन कराएं, तो ये भी इंशाल्लाह ताला फिक्स कराते हैं। इंटरनेट वाले भाई भी आए हुए हैं और जो है ना ये फ्लैश फाइबर के यहाँ बॉक्स तो लगा बट वो कह रहे हैं मोडेम शोडेम नहीं है इसमें, तो आज ही मेरी कोशिश है आज ही मैं इंटरनेट लगवा लूँ, असल में यूट्यूब पे काम करता हूँ, मैं बताया था ना, अच्छा वो भाई को बता रहा था, तो उसके लिए मैं ना रेगुलर वीडियो बनाता हूँ, तो अभी जो है भाई हैं इनको जो है 3:30 देने ना, अच्छा तो ये भी आएंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह, और थोड़ी देर में आके इंटरनेट जो है लगा जाएंगे, जो है ये इंटरनेट पैकेज आज एक्टिव कर देंगे, एक्टिव करने के बाद जो है फिर जब बिल बनेगा 4-5 तारीख को तो फिर बिल आएगा, फिर देखते हैं अल्लाह मालिक है, ठीक है जी। अभी जो है भाई ये आ गए हैं वेल्डिंग वाले भाई, और ये वेल्डिंग का काम जो है कर रहे हैं, डोर हम लगवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर लगवाएं ताकि पूरा हिस्सा जो है ना कवर हो जाए, जो ये भाई वेल्डिंग शेल्डिंग कर रहे हैं, आज के दिन बहुत काम है भाई, बहुत सारी चीज़ें मंगानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये काम हो जाएगा ना तो ज़रा सुकून हो जाएगा। सनग्लास मैंने पहन लिया है इन भाइयों की तरह, ये भाई भी सनग्लास पहन के घूम रहे हैं, क्योंकि ये वेल्डिंग के काम में ना चिंगारियां निकलती हैं तो एकदम फ्लैश लगता है आंखों के अंदर, तो खतरनाक होता है, तो मैंने भी सनग्लास पहन लिया है। ये देखो इस तरह का सेटअप बन गया है, देखिए अब क्या होता है मामला, ये भाई वेल्ड करने वाले हैं इसको, भी नहीं है ना स्मार्ट टीवी डिवाइस है आपके पास? नहीं नहीं है ना, डिवाइस भी नहीं है, 3000 वो 300 रुपया उसका भी बिल में डालना पर मंथ। आज का ब्लॉग हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखिए बाबा को, बाबा क्या कर रहे हैं, आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको अभी टाइम दिखाता हूँ क्या बोला है, टाइम देखिए गाइस, गाइस टाइम बोला है, टाइम बोला है अभी 11:42 11:42 11:42 क्या बैठ गए, देखे 50 मिनट से मम्मा मैं ब्लॉगर हूँ, मैं ब्लॉगर बनूंगा।
तो आज का व्लॉग यहाँ से एंड होते है। मामा मामा चीखो उससे पहले मैं तुम्हें बुला भी नहीं रही। और यहाँ हमारा दस्तरखाना आ गया जो कि बहुत ही टूटा हुआ है। अच्छा जी, हमने जो है ना डोर शोर लगवा लिया था, लाइट ऑन करते हैं यहाँ की। ये देखें डोर जो है इस तरह से यहाँ पे लग गया था। कुछ ये थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, हमने कवरिंग करानी है, बट ये डोर इस तरह से यहाँ पे लग गया था और अच्छा सेफ एंड सिक्योर हो गया। अब ये पूरा एरिया ना ये पूरा सेपरेट हो गया है। दूसरा भाई भी आ गए थे हमारे पास, इंटरनेट वाले भाई, उन्होंने यहाँ पर इंटरनेट की डिवाइस लगा दी है PTCL की, जिसके लिए उन्होंने मुझसे लिए कोई तकरीबन 3500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए। हालांकि केबल शेबल सब लगा हुआ था और साथ में स्मार्ट टीवी भी दे रहे हैं, और वो जो है मिल मिला के कुछ पैसे बनेंगे। टोटल ओवरऑल मेरा ख्याल है 3200-3300 रुपये के आसपास का कुछ बिल आएगा। तो देखते हैं स्पीड वगैरह कैसी होती है इसकी। मुझे कल ये मिला था। अच्छा, वेरी गुड। तो ये सीन है अभी सारा, हम जो है सामान वामान खोल रहे हैं। अच्छा खासा हमने खोल दिया है सामान, और अभी घर स्टिल मैसअप हुआ है पूरा, क्योंकि जाहिर है सेटिंग जब तक पूरी नहीं बनेगी तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ, ये अब्दुल्ला ने खरीदा था। ये क्या है? स्पिनर है। ये देखें भैया, अब्दुल्ला ने खरीदा था। वेरी गुड। एक और चीज, ठीक है। चले जी, अब जो है ना ये मैं बेगम के लिए कुछ चीज़ें खोल रहा हूँ। हमने अच्छी खासी सेटिंग कर दी है, बट स्टिल आधे से ज़्यादा सेटिंग अभी भी रह गई है। तो बेगम के कुछ मग्स वगैरह हैं जिसमें वो कुछ अपने ब्रशेस वगैरह रखती हैं। बाल शाल भाई इग्नोर कीजिएगा, बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि अभी ना नहाने का मौका मिल रहा है हमें, ना कुछ करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इतने काम फैले हुए हैं। फिर ऑफिस भी मैंने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो इतने काम फैले हुए हैं अभी कि किसी चीज़ का होश नहीं है अभी हमें ना। तो इग्नोर कीजिएगा भाई बालों शालों को और हमारे हुलिये को, ठीक है। आ जाएं, इसमें से चेक करते हैं। एक तो मुझे बेगम का मिल गया है मग, एक और मग देख लेते हैं बेगम का अगर मिल जाए। अब्दुल्ला बेटा मम्मा से पूछना, ये मग मम्मा का है ना? मम्मा से पूछे वाला मम्मा का है ना? ये वाला मग, ब्लू वाला। हाँ, आराम से ले जाए, तोड़ मत देना। आ जाए जी, अब देखते हैं इसमें से क्या निकला। अच्छा पैकिंग देखें आप लोग, पैकिंग इस तरह से इन लोगों ने प्रॉपर की थी ताकि किसी चीज़ के डैमेज होने के ना आसार ना रहें, चांसेस ना रहें। तो पैकेजिंग को तो ग्लास आइटम्स की पैकेजिंग को तो मैं 10/10 की देता हूँ। बिल्कुल तफसील से वीडियो आपके साथ ना शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, ताकि किसी ने अगर मूवमेंट करनी हो सिटी टू सिटी किसी दूसरे शहर में, तो उनको पता लग जाए कि भाई क्या तरीके का है, किस तरीके से काम होता है। सही है, तो पैकेजिंग आप लोग देखें प्रॉपर पैक हुआ हुआ है। ये एक और मग है इसके अंदर, और ये प्रॉपरली इन्होंने शीट के अंदर जो है 8-10 शीट्स इसमें जो है ना इन्होंने डाली हुई हैं एक प्याली के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा सीन है, बहुत तरीके से इन्होंने पैकिंग की है इन चीज़ों की स्पेसिफिकली। तो मैं अब खोलता हूँ इनको वन बाय वन, एंड देन फिर देखते हैं कि अंदर से क्या चीज़ कितनी जल्दी निकल जाएगी, क्योंकि बेगम को जो चीज़ चाहिए वो मुझे इनको पहले देनी है, क्योंकि अपनी सेटिंग अंदर कर रही है और मीनल मैं किचन की बाकी सारी चीज़ें निकाल रहा हूँ। ये जो है ना इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ, इसमें प्लेट है शीशे की, देखें कितने सिक्योरली लेके आए हैं। एक प्लेट ये आ गई, ठीक है, एक प्लेट ये है इसके ऊपर, फिर ये रैप लगा हुआ है, फिर ये दूसरी प्लेट है, फिर इसके ऊपर एक और रैप लगा हुआ है, फिर इसके नीचे तीसरी प्लेट है। तो ये बहुत तरीके से शीशे का काम है, एटलीस्ट इन्होंने बहुत तरीके से किया हुआ है भाई, बहुत तरीके से किया हुआ है शीशे का काम है, एटलीस्ट इस पर तो इनकी अप्रिसिएशन बनती है भाई। ये सारी सेटिंग जो है ना बेगम ने अपने करनी शुरू कर दी है ड्रेसिंग टेबल के हवाले से। क्या किया तुमने इसमें? पहले थैली में, पता नहीं किस थैली में क्या है, वो कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो बड़ी मुश्किल से निकला है, तो अलग अलग थैलियों में अलग अलग चीजें थी, तो बहुत मुश्किल से मिली। फिर अंदर ड्रॉर खोलो, कौन सा वाला? नहीं नहीं ड्रेसिंग। यहाँ बाय द वे हमने हीटर भी चलाया हुआ है अभी, ये वक्त आ गया कि हमें ना हीटर में जो है ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत अच्छा वक्त है, अल्लाह का शुक्र है। बस दुआ आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि दुआ करते रहें कि हमारा जो सारा सिलसिला है वो अच्छा चलता रहे और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से होता रहे इंशाल्लाह। ये भी सामान भी जो है ये अलग अलग शॉपर्स में था। थोड़ा सा ऊंचा बोला, आवाज़ नहीं आएगी इसमें। इसका जो ड्रॉअर के अंदर सामान है ना, वो अलग अलग शॉपर्स में से निकला है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है, और फिर बास्केट्स बड़ी मुश्किल से निकली है। तो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है ना कि मतलब लिपस्टिक अलग बास्केट में सारी, और मेरे जो पाउडर वाले हैं, जो मेकअप के प्रोडक्ट हैं, वो एक अलग बास्केट में। तो इस तरीके से 5-6 बास्केट मेरे इस तरह से बनी है। तो ये देखने में तो बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा इन तमाम चीज़ों में। जैसे नेल पॉलिशेज अलग अलग उससे पैकेट से निकली है, 3 पैकेट से ये नेल पॉलिश निकली है। ये वाली ये हाँ, जो पर मेरी ये 3 रखी हुई, मतलब एक मिला है, फिर दूसरा नहीं मिला, फिर बहुत मुश्किल से वो जो ब्राउन पैकेट्स बनाए थे ना पैकिंग वाले ने, वो उसमें
अच्छा लेकिन इनका भी जो सारा सामान है ना, जैसे ये नेल पॉलिशेस वगैरह ये सब ब्राउन शीट के अंदर रैप होके आया है, तो हम लोग के वक्त हमने दिखाया था ना। हाँ तो वो दिखाया था हमने, हम हर चीज़ प्रॉपरली दिखा नहीं पा रहे क्योंकि ज़ाहिर है इतना टाइम लग रहा है हमें सारी चीज़ें खोलने में, कोई 20 कार्टन्स के आस पास का सारा सामान था। एक कप में मैंने सारे अपने लिप पेंसिल्स रखी हुई हैं और दूसरे कप में मुझे अपने सारे जो आई मेकअप मस्कारा वगैरह वो सब रखना है, तो वो मग नहीं मिल रहे, अब उसके वेट कर रही हूँ मैं, मग मिलेंगे तो फिर बाकी चीज़ें हूँ। ऊपर सारे स्किन केयर का फेशियल का सारा मेरा सामान है और ये भी सब अलग अलग पैकेट्स में निकला है, तो बहुत मुश्किल हो रही है मतलब सेटिंग और पैकिंग करना। अब सेट हो गया सब तो मतलब सही लग रहा है। और ट्रॉली में अभी मैंने ट्रे सेट की है, ये ट्रॉली तुमने सेट किया ना अभी? ये सेट किया अभी, प्रॉपर हुई नहीं है। हाँ। होगी तो ये अभी आहिस्ते से सारी चीजें हम सेट कर रहे हैं, वो पीछे नट्स का डब्बा है। हाँ? उसका आहिस्ते करके हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। आए मैं बहुत थक गया हूँ, मैंने जैसे कहा ना कि हमारे होलियों को जरा इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि हमारा होलिया बहुत ही अभी जो है ना वाहियात हो रहा है, पड़े ना सामने। ये भी कल हमने अच्छी खासी सेट की है, तो ये भी इंशाल्लाह दिखा देंगे आपको थोड़ी देर में। हाँ तो इसलिए जो है ना अभी बहुत सारी चीजें अभी भी रहती हैं, मेरे खुद के कपड़े नहीं निकले अभी तक, मेरे खुद के कपड़े जो है वहाँ फंसे पड़े अंदर अभी, तो खैर आहिस्ते आहिस्ते सारी चीजें कर रहे हैं। अभी मैंने पतीलों का काम करना है, पतीलों का काम कर लेते हैं, वीडियो बना लो। मैं यार तुम्हारा मुझे मजीद वो नहीं मिल रहा, तुम्हारा मुझे मग नहीं मिल रहा। और एक मैंने वाइट मुख भेजा था ना दुल्हा से दराज वाला, उसमें रख दिया ना ये रखा हुआ। और कितने मग चाहिए? एक मेरे ग्रीन मग है सबसे बड़ा वाला, जिसमें सारे ब्रश, वो नहीं मिल रहा, वो किसी अंदर के कार्टन में शायद मिल जाए बाद में, अभी तो नहीं मिल रहा। और एक और मग भी है मेरा, एक या दो मग और है, मतलब तीन और। तो मैं तो चाय वाला मग दे दूं अभी। हाँ तो उसमें इसलिए रख देते हैं क्योंकि जा रहे हैं जो मग, जैसे ये जो मग है ये अगर टूट गया साइड से, क्रैक इसमें आ गया, बहुत ज्यादा स्लिपरी आता है। हाँ तो वो हम जाना थोड़ा सा पीना में उतरा मकरू हो जाता है, तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। बाकी मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मग शक मिल जाता है तो फिर इंशाल्लाह इनको निकाल के देता हूँ।